गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 6 का सेकंड टॉपिक है ऊतक तंत्र। जैसे कि हमने पुराने जो लेक्चर में देखा था कि पादपों में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना कि कोशिका मिलके ऊतक बनाते हैं, ऊतक बना के ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, तंत्र। तंत्र क्या बनाते हैं, अंग। अंग भाई क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तो ऐसे क्या होते हैं कि पादपों की संरचना बनाने में, मतलब संरचना के निर्माण में कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं। तो देखिए, पादपों में संरचना एवं स्थिति के आधार पे तीन प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, तीन प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, नंबर ए पहला तंत्र है बाह्य त्वची ऊतक तंत्र। बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, तो ध्यान रखना, अभी हम ये अच्छा ये जो जितना पढ़ रहे हैं ना, ये सारा का सारा हम सचित्र वर्णन करेंगे, चित्र सहित वर्णन करेंगे। जब आप जड़ तना पत्ती की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे ना, उसमें हम इनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, कैसी संरचना होती है। जैसे बाह्य त्वची तंत्र जो होता ना, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो और चाहे क्या हो पत्ती, उनकी बाह्य परत बनाती है। क्या बनाती है, बाहरी परत बनाती है, और इस परत को हम बोलते हैं क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। लेकिन हम बाह्य त्वचा नहीं बोलेंगे, हमने पहले बोला आपको, हम अंग्रेजी में बताएंगे, टर्म सारी अंग्रेजी लेके चलेंगे। इसको बोलते हैं बेटा हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। तो ध्यान रखना, बाह्य परत जो होती है ना, तना में और पत्ती में, इसको तो बोलेंगे हम एपिडर्मिस। लेकिन पता है किसमें, जड़ में, इसी का नाम होता है एपिब्लेमा। हिंदी में एक ही नाम है बाह्य त्वचा, पर अंग्रेजी में नाम चेंज हो गया। क्या जड़ में पत्ती में तना में तो हम क्या बोलेंगे इसको, एपिडर्मिस, लेकिन जड़ में बाह्य परत को क्या बोलेंगे हम, एपिब्लेमा। ठीक है, क्यों बोलेंगे ये मैं बताऊंगा आपको जब इनकी आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। ये सब आपके लिए नई चीजें हैं, सब नई चीजें हैं, ध्यान से इनको समझते रहिए। शब्दों को समझना है, एपिडर्मिस का मतलब बाह्य परत, किस तंत्र से बनती है, बाह्य त्वची ऊतक तंत्र से बनती है। ओके, अब देखिए आ जाइए, इतना समझ में आ गया। अब देखो इस बाह्य त्वचा पे क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है बाह्य त्वचा। जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे, ये होती बाह्य त्वचा, इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, पतली लंबी, कैसी होती हैं पतली, और ये क्या है, कैसी होंगी, पतली प्लस लंबी होती है। तो सबसे बाहरी जो परत जब भी बनाएंगे, चाहे जड़ में बनाए, तना में बनाए, पत्ती में बनाए, पतली लंबी कोशिकाएं बनाएंगे उसको, है ना। तो ये हो गया, अब आ जाइए इसमें अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम इसी में ही।
क्या बाह्य त्वचा, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं एपिडर्मिस, ईपीआई, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, हिंदी में नहीं होती, अंग्रेजी में होती है ईपीआई। ईपीआई का मतलब एपिडर्मिस। पर निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं, क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं, क्या क्या संरचनाएं होती हैं, ठीक है? तो देखिए नंबर एक पे आती है क्यूटिकल। तो ध्यान से सुनो, क्यूटिकल जो होती ना एक मोटी तथा मोम से बनी परत होती है। किस पर पाई जाती है? किस पर पाई जाती है? पत्ती की बाह्य त्वचा पे। क्या काम करता है? तो ध्यान रखना, जो मरुद्भिद पादप होते ना, मरुद्भिद जानते हो, जो रेगिस्तान में उगते हैं, रेगिस्तानी पादप, मरुद्भिद पादपों में पत्तियों के रंध्रों को ढकने के लिए ये परत पाई जाती है, जिससे आगे लिख लेना क्यों पाई जाती है, इसके आगे लिख लेना क्योंकि यह है वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। क्या करता है ये? कोई वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो जल की हानि भी क्या होगी? कम होती है। तो पहली संरचना कौन सी, किसमें पाई जाती है? केवल किस लिए पाई जाती है? वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए। अगला है रंध्र। रंध्र इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम क्या, स्टोमेटा। और ये रंध्र जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? कहां पर पाए जाते हैं? पत्तियों पर पाए जाने वाले छिद्रों को हम क्या कहते हैं? रंध्र। और तने पर पाए जाने वाले छिद्रों क्या कहते हैं? यहां भी लिख लो, क्या कहते हैं? वात रंध्र। इसको कहते हैं लेंटिकल। लेंटिकल्स ठीक है। अब इसकी बात आ जाइए संरचना किसकी, रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना तो देखिए अलग से बनाता हूं मैं। रंध्र की संरचना कैसी होती पत्तियों पर? आपने देखा होगा ना, ऊपरी सतह तो चिकनी होती है पत्तियों की, जबकि निचली सतह कैसी होती है? खुरदरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऊपरी सतह पर रंध्र होते बहुत कम और निचली सतह पर रंध्र होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब रंध्र ज्यादा होंगे तो सतह कैसी हो जाएगी? खुरदरी।
और ऊपरी पे चिकनी क्यों होती है? क्योंकि रंध्रों की संख्या क्या होती है ऊपर? कम। तो चिकनी होना, खुरदरी होना, ये डिपेंड किस पे करता है? रंध्रों की संख्या पे। तो ध्यान रखना, पत्तियों की ऊपरी सतह पर रंध्र होते हैं बहुत कम, और निचली सतह पर रंध्रों की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना? रंध्र होते क्या है? देखिए ध्यान रखना, रंध्र जो होते हैं ना, ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने। एक तो होती है कौन सी? द्वार कोशिका। और एक कौन सी होती है? सहायक कोशिका। द्वार कोशिका को बोलते हैं हम गार्ड सेल, इनको बोलते हैं हम सब्सिडरी सेल। कैसी संरचना होती है वो देखिए। देखो ये तो वो होता है केंद्रक, ये होता है क्लोरोफिल, और ये होती है द्वार कोशिका। और ये होता है छिद्र। द्वार कोशिकाएं कितनी होती है? दो होती है। कितनी होती हैं? दो होती हैं। और ये द्वार कोशिकाएं जो होती है ना, वो चारों तरफ से ढकी रहती है, अनियमित आकार की कोशिकाएं। और जिससे ढकी रहती है उनको बोलते हैं हम क्या? सहायक कोशिका, जो कि एक से अधिक होती है। ठीक है? तो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं ये संख्या में दो होती हैं, आकृति इनकी होती है सेम के बीच के आकार की होती है, केंद्रक कैसा होता है इनका? बड़ा होता है, और हर लवक पाया जाता है। मतलब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? क्लोरोफिल पर्णहरित। किस में पाया जाता है? हरित लवक में। ठीक है ना? और रंध्र को खोलने तथा बंद करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है?
ऐसे ही सहायक कोशिका कैसी होती है? एक से अधिक होती हैं। क्या कार्य करती हैं? ये जो कोशिकाएं होती वो क्या करती हैं? द्वार कोशिका को स्फीति माने फूलने में सहायता करती हैं। इससे रंध्र क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। और स्लत कोशिक मतलब द्वार कोशिका क्या करती हैं? स्लत माने सिकुड़ जाती हैं। क्या हो जाएगा? रंध्र बंद हो जाएंगे। मतलब ये द्वार कोशिकाओं के सिकुड़ने में और फूलने में सहायता करते हैं। अब तीसरा है इसमें, पहला हो गया क्यूटिकल, दूसरा हो गया द्वार कोशिकाएं, तीसरा लिखो त्वचा रोम। तो समझ गए, स्फीति को फूलने को बायोलॉजी में क्या कहते हैं? स्फीति। पिचकने को बायोलॉजी में क्या कहते हैं? श्लत। तो ये द्वार कोशिकाओं को स्फीति और श्लत करने में सहायता करता है कौन? सहायक कोशिका। आएगा आपके ये रंध्र कैसे खुलते बंद होते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म आएगा आपके चैप्टर में, दे रखा है पूरा, कैसे खुलते कैसे बंद होते, दोबारा से आएगा ये उसमें बताएंगे आपको स्फीत और स्लत कैसे होते। एक लास्ट और लिख लीजिए, त्वचा रोम, जिसको कहते हैं हम ट्राइकोम। तो लिख लीजिए, तने पर पाए जाने वाले एक कोशिकीय सॉरी बहुकोशिकीय रोम को त्वचा रोग कहते हैं। आंकड़े पे देखो वो छोटे छोटे से तने के ऊपर रोम पाए जाते हैं, एक सफेद रंग की परत पाई जाती है, हाथ लगाओगे हाथ सफेद होता है और छोटे छोटे से बाल से लगे हुए होते हैं। किस पर? आंकड़े में। उसे क्या कहते हैं? त्वचा रोग। ये भी किससे बनते हैं? बाह्य त्वचा से बनते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके।